सो हेलो गाइस, एनके गेमिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये तुम्हारे भाई एक और नई धमाकेदार वीडियो लेके आ गया है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि MP40, जी हाँ दोस्तों, MP40 से हेडशॉट कैसे मारे। तो दोस्तों, MP40 से हेडशॉट मारने के लिए आपको कुछ नहीं दोस्तों, मैंने इसमें कुछ 5-6 टिप्स एंड ट्रिक दिए, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप भी हेडशॉट किंग बन जाओगे। ओके दोस्तों, तो कुछ नहीं यार, आप जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका 100%, जी हाँ भाई लोग, 100% आपका हेडशॉट लगेगा, यानी लगेगा। तो आप भी ऐसा इमोशॉट मारना चाहते हो तो दोस्तों, आपको टिप्स एंड ट्रिक मेरी फॉलो करनी ही पड़ेगी। ये टिप्स एंड ट्रिक एकदम न्यू यूनिक है। ओके दोस्तों, ये ट्रिक एंड टिप्स एंड ट्रिक आपको कोई भी यूट्यूबर ने बताई नहीं होगी। तो चलो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो रुको रुको यार, अगर आपने वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसी के साथ साथ नीचे दिख रहे ना आपको बेल आइकन, कोई नहीं यार उसको भी दबा दो यार, जिससे आप हमारी फैमिली का पूरी तरह से हिस्सा बन जाओ। ओके, तो चलते हैं हमारी पहली टिप्स एंड ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, हमारी जो पहली टिप्स एंड ट्रिक है वो स्टैंड एनमी ड्रैग हेडशॉट है, जिसके अंदर एनमी एकदम सीधी तरह से खड़ा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपली ड्रैग मारना है ऊपर की ओर। आपका जो फायर बटन है वो नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग मारोगे ना तो आपका 100% हेडशॉट लगेगा, यानी लगेगा। रुको, मैं आपको पूरा स्लोमो करके बताता हूँ। ओके, देखो ये एनमी एकदम सिंपल रूप से खड़ा है, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया, एकदम नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग मारा तो उसको हेडशॉट लग गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो चलते हैं हमारी दूसरी टिप्स एंड ट्रिक की ओर। तो हमारी जो दूसरी टिप्स एंड ट्रिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा हाई जंप हेडशॉट। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर आप ये टिप्स यूज करना। ओके दोस्तों, अगर आपने ये टिप्स एंड ट्रिक फॉलो कर ली तो यार आप भी हेडशॉट किंग बन जाओगे, क्योंकि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो को मैं आपको पूरा स्लोमो करके बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा सा जंप मारने का है, और आपका जो फायर बटन है वो नीचे से ऊपर की फास्ट की फास्ट यानी तेज़ी से ड्रैग मारना है। ओके, तो इससे होगा क्या, आपका जो एम है वो बंदे के हेड की ओर चिपक जाएगा। तो चलते हैं हमारी तीसरी टिप्स एंड ट्रिक की ओर, जो है कवर फायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार दोस्तों आपने रैंक मैच भी खेला होगा, उसमें आपको क्या होता है कि वॉल की कमी ज़्यादा रहती है। तो आपको कुछ नहीं दोस्तों, परमानेंट कवर बनाने में आपको पूरा स्लोमो करके बता दूँ। देखो यहाँ पे मैंने कवर लिया, एनमी आ रहा है सामने से, और मैंने इसको कुछ नहीं, फास्टली ड्रैग मारा, हल्का ड्रैग मारा नीचे से ऊपर की ओर, इसको आराम से हेडशॉट लग गया। ओके, तो ऐसा आप भी हेडशॉट मार सकते हो, बस आपको परमानेंट कवर लेके रखना है रैंक मैच में। अगर आप खेल रहे, आप पे वॉल नहीं है, तो आपको आराम से, देखो कवर लेके आराम से फायर मारोगे, आपका हेडशॉट पक्का लगेगा, यानी लगेगा। चलो चलते हैं अब हमारी चौथी टिप्स एंड ट्रिक की ओर, जो है शॉर्ट रेंज फास्ट ड्रैग। ये आपको कस्टम में ज़्यादातर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कस्टम में ज़्यादातर शॉर्ट रेंज में लड़ाइयाँ होती है। तो कोई नहीं दोस्तों, इसमें आपको हल्का से यानी कि आपको जंप मारना है और ड्रैग फास्ट करना है। मैं आपको पूरा स्लोमो करके बताता हूँ। देखो यहाँ एनिमी आ रहा है, मैंने यहाँ पर अपनी पहली पोजिशन बनाई, जंप मार के पैर नीचे आए, उसी टाइम मैंने फास्टली ड्रैग मारा और इसको 2-3 हेडशॉट पड़ गए, जिससे इसका खेल खत्म हो गया। ओके दोस्तों, तो यार आप भी ऐसे हेडशॉट मार सकते हो, बस यार ये जब आप जंप कर रहे हो ना तो आपके पैर जमीन में होने चाहिए, तभी आप उसको हेडशॉट मार पाओगे। जब आपके पैर है ना नीचे आ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे, तब आप ड्रैग मारोगे तो उसका आपको हेडशॉट लगेगा या नहीं लगेगा। चलो चलते हैं पांचवी टिप्स एंड ट्रिक की ओर, जो है रोटेशन ड्रैग हेडशॉट। इसमें क्या होता है, अगर बंदा राइट में रोटेट हो रहा है तो आपको राइट की ओर ड्रैग मारना है, लेफ्ट में हो रहा है तो लेफ्ट की ओर ड्रैग मारना है। मैं आपको पूरा स्लो करके बताता हूँ। ओके, ये बंदा देखो दोस्तों लेफ्ट में ड्रैग हो रहा है, यानी कि लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, लेफ्ट की ओर ड्रैग मार दिया हल्का सा, तो उसको हेडशॉट लग गया। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर बंदा राइट में, देखो अभी देखना बंदा राइट की ओर आएगा, तो उसको पूरा मैं राइट में धीरे से ड्रैग मारूंगा। देखो ये आया, ये बंदा देखो कुछ नहीं यार, इमोट मैंने किया यहाँ पे, ये बंदा राइट में रोटेट हो रहा है, तो मैंने राइट की ओर हेडशॉट और ड्रैग किया, तो उसको आराम से हेडशॉट लग गया। तो दोस्तों आप भी ये टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करो तो आपका कंफर्म हेडशॉट लगेगा, यानी लगेगा ही लगेगा। ओके दोस्तों, तो जिसके लिए आपको ट्रेनिंग में जाना है, और ये एक एडम चचा रहते हैं, इसमें आपको जंप फायर करना है। ओके, ये जंप फायर आपने सीख लिया ना तो दोस्तों आप भी हेडशॉट किंग बन जाओगे पास रेंज के लिए। ओके, जंप फायर आपको ध्यान से करने का है, अगर आपके पैर ऊपर जंप मार रहे हो, आपका पैर जब तक जमीन में नहीं है तब तक आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, आपका पैर जैसे जमीन में टच हो जाए ना आप ड्रैग मारो, आपका हेडशॉट लगेगा यानी लगेगा। ओके दोस्तों, तो चलो चलते हैं यार, कोई नहीं यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसी के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। तो सो गाइस, अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे नए टिप्स एंड ट्रिक की ओर। तो तब तक के लिए बाय 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 लोग।
एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक।